नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्रव्यूह में। भारत की राजनीति में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब कोई चुनाव राजनीति का ही ऐसे टेस्ट करने लगे, और राजनीति का ऐसे टेस्ट का मतलब है कि जो भी पारंपरिक राजनीति चुनाव के जरिए इस देश में हो रही है उसी का ऐसे टेस्ट हो जाए, और पारंपरिक राजनीति को करते वाले राजनीतिक दल उस चुनाव परिणाम के बाद या तो बचेंगे या खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन जाए तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसने 32 साल पहले इस देश में मंडल की लकीर को खींचते हुए देखा, और उसके बाद छात्रपों की राजनीति का वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा, उसका ऐसे टेस्ट 2022 के चुनाव में होने वाला है। दरअसल भारत के भीतर में पारंपरिक राजनीति की एक मोटी लकीर धर्म के नाम पर भी खींची गई है, और उसका ऐसा टेस्ट इस चुनाव में होने वाला है। और इस देश के भीतर में सबसे बड़ी ताकत को महसूस करने वाले आजादी के बाद से भारत के भीतर का भामंड तपका है, और उसका भी ऐसे टेस्ट इस चुनाव में होने वाला है। क्योंकि आपको कोई राज ऐसा मिलेगा ही नहीं जिस राज्य में भीतर में जाति और धर्म की राजनीति का घालमेल करते हुए भारत की समूची राजनीति को साधने की कोशिश की गई हो, और ये राजनीति शायद अब आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है, या फिर भारत की राजनीति एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जिसमें उत्तर प्रदेश के परिणाम या तो भारत की समूची राजनीति को बदल डालेंगे या फिर भारत की राजनीति में उस उथल पने को दफन कर देंगे जो मंडल के सर के निकलती थी। और सरल शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव के मायावती के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है 2022 का चुनाव आठवां चुनाव हो। तो आज चार के चक्रव्यूह में पूर्ण विश्लेषण हम इसी पे करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जिस मोटी लकीर को खींचना शुरू किया और उसका एहसास कराया कि हम आपको तमाम सहूलियत देंगे, हम आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, चाहे वो जाति आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ते चले जाइए और हो सकता है ये भी राजनीति दफन हो जाए। उत्तर प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि लखनऊ का रास्ता दिल्ली तक पहुंचा देता है। उत्तर प्रदेश का मतलब ये भी है कि एक ऐसा राज्य है जिसमें 40% वोटों का कोई नेता ही नहीं है। इन 40% लगातार इस पार्टी से उस पार्टी में घूमते रहते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये 40% वोटर उनके साथ खड़ा हो जाए, और खड़ा ही नहीं हो सकता है तो किसी एक हिस्से को वो इस तरीके से हाशिए कर ढकेल देती है जिसके बाद उसके विपक्ष में खड़ा हुआ सारे होटल एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आकर खड़ा हो जाए और उसे सत्ता मिल जाए। ऐसे में सवाल ये है कि इस राजनीति के दफन होने की स्थिति में क्या 2022 में आ चुकी है? ये पहेलियां नहीं है, समझने की कोशिश आज सरल शब्दों में कीजिए। 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, 11% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है, दोनों को मिलाए तो 40%, लेकिन इन दोनों समुदाय की अगुवाई करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ब्राह्मणों को लगता है कि साल 2007 में ये मायावती के साथ तो मायावती सत्ता में आ गई थी, साल 2012 में अखिलेश यादव को लगता रहा कि ब्राह्मण साथ आ गए तो वो सत्ता में आ गए, और साल 2017 में अपने तौर पर बीजेपी ने भी महसूस किया कि 80% ब्राह्मण हमारे साथ थे, हम सत्ता में आ गए। और साल 2017 में मुसलमानों ने महसूस किया एक भी मुसलमान बीजेपी का साथ चाहे ना हो, लेकिन दूसरी तरफ समूचा विरोध उनके साथ जाकर जमा हो गया है। बीजेपी सत्ता में आ गई लेकिन फिर लौटा उसके अतीत में मंडल की राजनीति के सर को पकड़ते हुए। साल 2007 में मायावती को लगा मुसलमान उनके साथ है, और साल 2012 में अखिलेश यादव को लगा कि मुसलमान उनके साथ है। सवाल ये है कि साल 2007, 2012, 2017 और अब 2022 सामने खड़ा है, तो क्या वाकई 2022 की स्थिति 2007, 2012, 2017 की तरह ही होगी? परिस्थितियों को आगे ले जाइए, या इसे पूरे कालखंड में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से जो जो राजनीतिक दल खत्म हुए और उनको खत्म करने का जिम्मा सिर्फ बीजेपी कांग्रेस भर का
नहीं रहा, उसको खत्म करने का जिम्मा वहीं के छात्रों को का भी रहा है। क्या वो सियासत अब ऐसे मुहाने पर पहुंच गई है जहां छात्रों पर खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वोट बैंक की सियासत को समझें अगर तो फिर अखिलेश यादव के वोट बैंक पे कोई सेंट लगा नहीं सकता। ये यादवों का वोट बैंक है, मायावती के वोट बैंक में कोई सेंट लगा नहीं सकता, ये जाटवों का वोट बैंक है। लेकिन जितने ज्यादा है उससे ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है जिनका कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ जितने जाटव है उससे ज्यादा मुसलमान वहाँ पर मौजूद है और उनका भी कोई नेता नहीं है। ये कौन सा समीकरण है और किस सियासत की दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है? क्या वाकई मंडल की राजनीति 2022 में चलेगी? क्या वाकई मंडल की सियासत साधने वाले नेता जब ओबीसी का जिक्र करेंगे तो क्या ओबीसी एक साथ अखिलेश यादव का साथ खड़ा होगा? क्या वाकई दलितों के हक का सवाल तब तक मायावती उठाती थी, आज चंद्रशेखर दिया गए हैं वो एक हक का सवाल उठाएंगे और उनके साथ दलित खड़ा हो जाएगा या फिर से दलितों में से एक भी जाटव खड़ा हो जाएगा? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के अक्ष तले के कुछ फैक्ट्स आज आपको जानने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑल इंडिया। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को भले ही केंद्र सरकार लगातार अनदेखा कर रही है लेकिन दूसरी तरफ उसने किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव का आंकलन भी करना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने आने वाले चुनावों में किसान आंदोलन के प्रभाव को जानने के लिए पार्टी के किसान नेताओं से मशवरा किया है और इससे निपटने के लिए रणनीति भी बना ली गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से जरा सी भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, लिहाजा यूपी में किसान आंदोलन के लिए काउंटर नीति बनकर तैयार हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने आने वाले चुनावों में किसान आंदोलन के प्रभाव को जानने के लिए पार्टी के किसान नेताओं से मशवरा कर लिया है और इससे निपटने के लिए एक रणनीति बना ली है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से जरा सी भी जोखिम नहीं लेना चाहती है और इसीलिए अब किसान आंदोलन के लिए एक काउंटर नीति बनाकर तैयार कर ली गई है। दरअसल बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामबाबू द्विवेदी ने बताया कि 16 से 25 अगस्त तक हम गांवों में किसानों के साथ खाट और चबूतरों पर बैठक करेंगे। बड़ी चौपाल की जगह छोटी छोटी चौपालें लगाई जाएंगी। किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें योगी सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका समाधान निकल सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए लगातार कार्य हुए हैं और उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाली की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। अगर आप किसानों की जो उपज देखिए तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, चाहे रबी हो चाहे खरीफ की फसल हो, और MSP पे रिकॉर्ड किसानों को MSP दाम पे उनके कृषि उत्पाद की खरीद हुई है। ऐसे में श्रीमान राकेश टिकैत जी की जो किसान पंचायत है उसका असर उत्तर प्रदेश के किसानों पे पड़ने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी इन किसान चौपालों के जरिए किसान आंदोलन के असर को टटोलने की भी कोशिश करेगी ताकि इस असर को बेअसर करने की रणनीति बनाई जा सके। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा अब राकेश टिकैत बन चुके हैं। राकेश टिकैत का पश्चिम यूपी के एक हिस्से में असर है और ऐसे में बीजेपी ने इस इलाके में टिकैत के असर को कम करने के लिए रणनीति तैयार की है और इस रणनीति को चलिए अब पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। बीजेपी की रणनीति 16 से 25 अगस्त तक यूपी की 104 विधानसभा सीटों के तहत आने वाले गांवों में बीजेपी का किसान मोर्चा चौपाल लगाएगा। मोर्चा केवल आयोजक है लेकिन इसमें किसानों से सीधा संवाद का काम बीजेपी के किसान नेता करेंगे। बड़ी चौपाल की जगह खाट और चबूतरों पर छोटी चौपाल को तरजीह दी जाएगी। इसकी वजह है पार्टी किसानों से सीधा संवाद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने किसान मोर्चा को ये सुझाव दिया है कि वो किसानों के छोटे छोटे समूह तक पहुंचे और सरकार तक उनकी बात पहुंचाए। किसानों की समस्याएं सुनने के साथ किसानों के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
25 से 30 सितंबर तक किसानों की सभी मांगों और समस्याओं को इकट्ठा करके एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा और इस दस्तावेज को ग्रामीण किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा। ये प्रतिनिधि मंडल 150 से 200 किसानों का होगा। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि ये प्रतिनिधि मंडल बीजेपी किसान मोर्चा के लोग पहले ही बना चुके हैं। इसमें ब्लॉक और तहसील लेवल पर काम करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। किसान मोर्चा को योगी सरकार ने पहले ये आश्वासन दे दिया है कि वो इन सभी समस्याओं का समाधान 10 दिसंबर तक कर देगी। इस चौपाल का असल मकसद गांवों में बीजेपी के लिए लोगों का दिल टटोलना है, ताकि चुनाव से पहले पार्टी इस वर्ग की किसी भी किस्म की नाराजगी को दूर कर दे। दिग्गजों को सौंपी गई कमान। केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान, यूपी के बीजेपी नेता सुरेश राणा और राज्य कृषि मंत्री सूर्य सिंह शाही, राज्यसभा सदस्य विजय पाल सिंह तोमर समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं से शीर्ष नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि किसानों के बीच बीजेपी की सकारात्मक छवि बनाने का जिम्मा उन पर है। यूपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त शब्दों में कहा गया है कि अगर यूपी चुनाव में किसानों वोट पर असर पड़ा तो इन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड खराब हो सकता है। यूपी में संगठन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि दरअसल बीजेपी जानती है कि टिकैत का असर पूरे यूपी में बहुत नहीं पड़ेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में टिकैत का आंदोलन चोट कर सकता है। इसीलिए बीजेपी जोखिम लेने के मूड में नहीं है, लिहाजा पश्चिमी यूपी में पार्टी का ज्यादा जोर है। यूपी सरकार के किसान हितैषी इन चार कामकाज को बताने पर रहेगा जोर। यूपी में खोले गए कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में किसानों को बताया जाएगा। दरअसल इन सेंटर्स के जरिए किसान ट्रैक्टर खरीद में 50% और अन्य कृषि उपकरणों में 80% तक छूट पा सकते हैं। इसका डेटा तैयार किया जा चुका है। गन्ना किसानों के 10,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा भुगतान किए गए, इनका लेखा जोखा भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। नई तकनीक से केले और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को दी जा रही सब्सिडी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही किसानों को प्रति पौधा लगाने में 10 रुपए की सब्सिडी और गन्ना किसानों को प्रति पौधा लगाने में 1.5 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कितने लोगों तक ये सुविधा पहुंची इसका भी डेटा तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र प्रमुखता के साथ किया जाएगा। किन किन समस्याओं को खत्म करने पर होगा जोर। किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज मुक्त किया जाए। गन्ना किसानों का प्राइवेट मेल्स द्वारा अब तक नहीं किया गया भुगतान किया जाए। बिजली की दरों को कम किया जाए या सब्सिडी दी जाए। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। सरकार ने फैसला लिया है कि वो अब गांव-गांव जाएगी और नुक्कड़ सभाएं करेगी, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसान खुद चलकर आपके द्वार पर दिल्ली में आया हुआ है, जिसको बैठे हुए लगभग 8.5 महीने हो गए हैं और आप लोग उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और जायज मांगे मान रहा है। किसान आपसे वही चीज मांग रहा है जिसके लिए आपने उनको सपने दिखाए थे। आपने कहा था MSP का कानून बनना चाहिए, किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सरकार ने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन जब सरकार बनी तो ये लोग भूल गए और आज ये हालात है कि ना तो MSP पे खरीद हो रही है, ना ही किसानों का भुगतान हो रहा है और पिछले 4 वर्ष से ना ही गन्ना किसान का कोई पैसा पड़ा है। किसान की आय दुगनी करने के नाम पर आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसान के खर्च जरूर डबल हो गए हैं, चाहे वो डीजल हो या उर्वरक हो या खेती में इस्तेमाल आने वाले उपकरण हो या बिजली हो, सभी के रेट डबल से भी अधिक हो गए हैं। लेकिन किसान की आय जो थी उससे माइनस में चली गई है। तो सरकार को किसानों के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहले जो दिल्ली में लोग बैठे उनकी बात सुने, गन्ने का तुरंत भुगतान हो, MSP पे कानून बने,
और जो पूरे प्रदेश में आवारा गोवंश घूम रहे हैं उनको तुरंत संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। खैर, बीजेपी अब इसके जवाब में 16 से 25 अगस्त तक गन्ना किसानों की बहुलता वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके बीच पहुंचेगी। बीजेपी का किसान मोर्चा किसानों के बीच बैठक करेगा और उन्हें बताएगा कि योगी सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कभी ट्रैक्टर, कभी साइकिल, कभी नाश्ता तो कभी चाय पर चर्चा। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक गहमागहमी और बैठकों के दौर को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश में विपक्षी दलों का एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। ये रिपोर्ट देखिए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी या शरद पवार में से कौन विपक्ष के मोर्चे का नेतृत्व करेगा, लेकिन हाल ही की इस राजनीतिक गहमागहमी ने अटकलों के नए दौर की शुरुआत तो कर ही दी है। ममता बनर्जी 3 दिन के हालिया दिल्ली दौरे के बाद कोलकाता लौट गई थी। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और इन नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और सोनिया गांधी प्रमुख रहे थे। उन्होंने विपक्ष के दूसरे कई नेताओं के साथ भी बैठक की, हालांकि ममता बनर्जी और शरद पवार की आपसी मुलाकात नहीं हो सकी। दोनों ही नेताओं से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बहुत जल्द इनकी मुलाकात हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी विरोधी मोर्चे को एकजुट करने को लेकर बातचीत बीते कई दिनों से तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद ऐसी कोशिशों को काफी बल मिल गया है और कोरोना की भयावह दूसरी लहर, महंगाई के बढ़ते और अर्थव्यवस्था के सामने गहरी चुनौतियों के आ खड़े होने से मोदी सरकार की लगातार जमकर आलोचना हो रही है। इन सभी हालातों ने विपक्ष के प्रस्तावित नए मोर्चे को आकार देने की उर्वर भूमि मुहैया करा दी है। फिलहाल विपक्ष के संभावित मुहिम के केंद्र में 2 नेता आ खड़े हुए हैं, एक शरद पवार और दूसरी ममता बनर्जी। दोनों अपने अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक कुशलता और रणनीति से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में कामयाब रहे हैं। शरद पवार ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए जहां समावेशी राजनीति का सहारा लिया और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस को साथ लाकर अपना मकसद पूरा करने में कामयाब रहे। वहीं ममता बनर्जी ने अपना लक्ष्य पाने के लिए पुरानी आक्रामक बांग्ला राजनीति का सहारा लिया और ऐसा करके वो तीसरी बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के व्यक्तित्व की लड़ाई में लगभग हर बार मोदी ही कामयाब हुए हैं। ऐसे में विपक्ष का नया चेहरा कौन बनेगा, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे हालात में शरद पवार और ममता बनर्जी की राजनीतिक सक्रियता लोगों का काफी ध्यान अपनी ओर खींच रही है। राष्ट्रीय मंच नाम के एक राजनीतिक मंच को बनाने के लिए पवार ने हाल ही में कई विपक्षी नेताओं और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से दिल्ली में मुलाकात की है। वहीं अपने दिल्ली दौरे में ममता बनर्जी ने भी ऐसी कोशिशें वो कर चुकी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर पिछले कुछ हफ्ते में कई बार शरद पवार से मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ममता बनर्जी और शरद पवार में से कौन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। शरद पवार पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री के दावेदारों की सूची में शामिल रहे हैं, चाहे वो जब कांग्रेस में रहे हों या कांग्रेस छोड़ने के बाद भी। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेने के बाद भी शरद पवार का नाम हमेशा चर्चा में बना रहा है। जब कभी कांग्रेस और बीजेपी के इतर तीसरे मोर्चे की बात चली तब सबसे आगे पवार का नाम ही सामने आया है। ऐसे में जब शरद पवार ने पिछले कुछ महीनों में लोगों से मुलाकात करनी शुरू की तब ये पूछा जाने लगा कि क्या वो नए मोर्चे की योजना बना रखे हैं। हालांकि खुद शरद पवार ने कभी इस बारे में किए जा रहे प्रयास को स्वीकार नहीं किया है। दरअसल राष्ट्रीय मंच की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि वो अतीत में इस तरह की चीजें कई बार कर चुके हैं और फिर भी ऐसा करने को लेकर वो अब इच्छुक नहीं है।
हालांकि पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार देश में बीजेपी विरोधी मोर्चे को आकार देने के लिए कई लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हम देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर आकलन करें तो शरद पवार उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनके पास बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट करने की क्षमता दिखती है। उनके पास न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है बल्कि वो गठबंधन की राजनीति से भी बखूबी अवगत है। वहीं शरद पवार के करीब करीब सभी दलों और उनके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। वो चाहे सत्ता में रहे हों या ना रहे, उनके नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी दोनों से ही संवाद कायम रहे हैं। गठबंधन की राजनीति की मांग होती है कि इसके नेता के पास सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हो। पवार के अंदर ऐसी क्षमता पहले से ही रही है। हालात ये है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से उनकी पार्टी एनसीपी की प्रतिद्वंदी रही शिवसेना को लेकर उन्होंने सर्वसमावेशी राजनीति का कार्ड खेला है। ऐसा करके वो न केवल अपनी पार्टी को सरकार में शामिल करवाने में सफल रहे बल्कि बीजेपी को सरकार बनाने से रोका भी है। ऐसे में पवार के बारे में माना जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी नए दोस्त बनाने और अपने दोस्तों को साथ लेकर चलने में कामयाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। शरद पवार हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे चुनाव अभियान हो या विधानसभा सत्र हो। हालांकि उनकी उम्र विपक्ष की अगुवाई करने की उनकी कोशिश के रास्ते आ सकती है। साथ ही बतौर राजनेता अप्रत्याशित फैसला लेने वाली उनकी छवि उनके लिए बड़ी बाधा बन सकती है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो शायद 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी खेमे के प्रत्याशी बन सकते हैं। और बताया जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि 2024 के लिए बनने वाला विपक्षी गठबंधन क्या 2022 में ही आकार ले लेगा। वहीं शरद पवार की तरह ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली दौरे के बाद उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीय स्तर पर खेला होबे करने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आगे से वो हर कुछ महीने के बाद दिल्ली का दौरा करेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं है। ऐसे में बंगाल जीतने के बाद क्या वो आसानी से विपक्ष का चेहरा बनने में कामयाब हो जाएंगी? कई चीजें ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हैं। दरअसल शरद पवार के बाद ममता बनर्जी ने ही दिखाया कि बीजेपी को सत्ता में आने से सफलता पूर्वक रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि बीजेपी की तरह दूसरी पार्टियां भी चुनावी अखाड़े में आक्रामक रुख अपना सकती हैं। पवार की तरह उन्होंने ये भी दिखाया कि चुनाव तब भी जीते जा सकते हैं जब पार्टी के लोग उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लें। ममता के चुनाव अभियान और उनकी जीत ने उनकी लोकप्रियता को पूरे देश में फैला दिया है। इतना ही नहीं, मौजूदा हालात में महिला होना भी उनके पक्ष में जाता है। दरअसल ममता बनर्जी एनडीए और यूपीए दोनों की केंद्रीय सरकारों में मंत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। ऐसे में गठबंधन की राजनीति से वो काफी परिचित हैं और माना जाता है कि ममता बनर्जी के सभी दलों में करीबी लोग भी हैं। साथ ही सोनिया गांधी से भी उनके बेहतर संबंध रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी का आक्रामक व्यक्तित्व समावेशी किस्म की राजनीति के रास्ते में बाधा बन सकता है। वो अपने तुनक मिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। उनका ये व्यवहार पहले के गठबंधनों के दौरान कई बार बाधा खड़ी कर चुका है। ऐसे में ये देखना अभी बाकी है कि विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने के दौरान ममता बनर्जी क्या शरद पवार की तरह जरूरी राजनीतिक धैर्य दिखा सकती है या नहीं। दरअसल ममता बनर्जी से दिल्ली में जब पूछा गया कि क्या वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही हैं, तो उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। हालांकि उनकी सक्रियता इसका उत्तर ज्यादा बेहतर ढंग से दे रही थी। वहीं शरद पवार और ममता बनर्जी की सक्रियता के बावजूद मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए विपक्षी खेमे का एक चेहरा या उनके बीच गठबंधन की संभावना बहुत कम है। और अगर किसी के सामने आने की जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे ये काम क्यों नहीं कर सकते। संजय राउत ने एक बार ये कहा था कि उद्धव ठाकरे के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की योग्यता है। अन्य संभावित नामों में अखिलेश यादव और मायावती भी हैं, लेकिन ये नेता संसद में केवल सदन के प्रबंधन की भूमिका निभा सकते हैं, वो विपक्ष का चेहरा नहीं बन सकते। वहीं कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि यूपीए की कोई केंद्रीय ताकत नहीं बची है। इसके अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की भी उतनी ही विरोधी हैं जितनी बीजेपी की। इसीलिए विपक्ष मोर्चे को आकार लेने में अभी वक्त लगेगा।
और हाल ही में गतिविधियां केवल संसद में विपक्ष का एक ढांचा बना सकती हैं। विपक्ष का ये रूप अगर आगे भी बना रहा तो एक नया गठबंधन बन सकता है और शरद पवार इसके संयोजक बन सकते हैं। हमें अभी देखना होगा कि अगले 3 सालों में क्या होने वाला है। जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों मिलकर विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के पोस्टर बॉय नहीं बन सकते। वहीं ममता ने दिखाया है कि कैसे मोदी को चुनाव मैदान में परास्त किया जा सकता है। वहीं शरद पवार ने बताया कि कैसे रणनीति बनाने के मामले में मोदी को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। ऐसे में ये जरूरी होगा कि ममता और पवार दोनों नेता हाथ मिलाएं और 2019 में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी को सबसे पहले महाराष्ट्र में हार मिली थी। महाराष्ट्र ने जो नींव डाली थी उसे बंगाल ने क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया। हालांकि हमें समझना होगा कि क्षेत्रीय नेताओं के लिए पूरे देश का चेहरा बन पाना काफी कठिन होता है। महाराष्ट्र या बंगाल की जीत से आप राष्ट्रीय चेहरा नहीं बन सकते और इसी जीत की अपनी सीमाएं होती हैं। वहीं पोस्टर बॉय कोई एक ही होता है और उदाहरण के लिए राहुल गांधी भले ही जीत ना पाए हो, लेकिन हर कोई इस पर सहमत है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं। ममता और पवार भले ही एक गठबंधन के लिए साथ आ जाएं, लेकिन फिर भी उन्हें एक राष्ट्रीय चेहरे की जरूरत तो होगी ही। वैसे सभी संभावित समीकरणों के लिए उत्तर प्रदेश और राष्ट्रपति के चुनाव कसौटी साबित होंगे। इन चुनावों में शरद पवार और ममता बनर्जी की भूमिका आगे की रणनीति की तमाम संभावनाओं की दशा और दिशा दोनों को तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। 4 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।